हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लाज बतूल। और जैसे कि कल मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपडेट किया था, मैंने ये परचेज़ किया न्यू ड्रेसिंग टेबल, और अभी हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र्स बाय कर लिए हैं और ज्वेलरी एंड मेकअप हम इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। बेसिकली दिस इज़ माय स्टूडियो रूम। आपने मेरी रील्स में भी ये रूम काफ़ी देखा होगा, जो अभी मैंने अपनी रिसेंट रील्स पोस्ट की हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस रूम लुक्स। ड्रेसिंग एरिया है। सो दिस इज़ द सोफ़ा कम बेड। मोस्टली मैं इसको एज अ सोफ़ा यूज़ करती हूँ बिकॉज स्मॉल सा एरिया है, तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जो ज़्यादा स्पेस ना ले। एंड दिस इज़ द ड्रेसिंग टेबल वी गॉट यस्टरडे, और मैं अभी इसके ऑर्गेनाइजर्स लेके आई हूँ। हम इसको सेट कर रहे हैं, तो अभी हम इसको ऑर्गेनाइज करके फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने सिरामिक का स्टॉक और मॉइस्चराइजर का एक मॉइस्चराइजर मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखती हूँ, और बाकी जितना भी स्टॉक होता है जो मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं सिरामिक का, और ये है डर्माइफ का, तो ये मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में जो एक्स्ट्रा होते हैं वो रखती हूँ। ज्वेलरी को भी हम साइड पे कर देते हैं एंड आफ्टर सम टाइम फिर हम ज्वेलरी सॉर्ट आउट करते हैं। और मैं इसकी बॉटल इसके कवर को शो कर दूंगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, और हम इसकी बॉटल निकाल के ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑल्सो आई गॉट दिस फेस वॉश, और ये जॉनसन का फेस वॉश है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी मजे की है, रोजेज लाइक, तो ये भी एक अभी मैं रिसेंटली लेके आई हूँ और आई लविंग इट। ऑलरेडी भी मैं ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे इसकी फ्रेग्रेंस, ये तो अभी सील है, अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया, बट मुझे इसकी फ्रेग्रेंस का आइडिया है। सेकेंडली अभी मैं एक बहुत क्यूट प्रोडक्ट लेके आई हूँ। पहले मेरे पास इसका एक फुल साइज था, J.502 वसीम अक्रम फॉर हर, तो पहले मेरे पास आई थिंक इसके मिनीज नहीं आते थे, अभी रिसेंटली इन्होंने मिनीज साइज लॉन्च किए हैं, आते होंगे तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे इसी दफ़ा ये नज़र आया एंड मैंने इसकी बड़ी बॉटल ले ली थी, बट इट लुक सो क्यूट। इसकी मैं आपको बॉटल दिखाती हूँ, लुक हाउ क्यूट इट इज, ऐसी इसकी पिंक कलर की बॉटल है एंड वेरी वेरी क्यूट। ये परफ्यूम मुझे अपने बैग, हैंड बैग के लिए भी चाहिए था, सो वैसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशली फॉर माई हैंड बैग, कितना क्यूट है ये, ओ माई गॉड। सो अभी मैं अपनी परफ्यूम्स की ट्रे सेट करती हूँ। मेकअप ऑलमोस्ट मेरा बहुत कम होता है, स्किन केयर ज़्यादा होती है, वो मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है। अब हम अपनी परफ्यूम्स को सेट करेंगे और ये डिस्प्ले वाली चीज़ों को। सो गाइस ये मेरी परफ्यूम्स ट्रे सेट हो गई है, ये इधर ऊपर ही हम रखेंगे ड्रेसिंग टेबल के। अभी मुझे एक और ट्रे मैंने इंटरनेट पे देखी है जो कि डबल उसमें होती है शेल्फ्स में, और उसके ऊपर हम बाकी सारे परफ्यूम्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी हाफ मामा के रूम में है और हाफ मेरे पास है, सो दीज आर द मोस्ट यूज परफ्यूम तो मैंने अपने पास रखे हैं। मामा के थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेरे थोड़े डिम लाइट इस टाइप के होते हैं, आई होप सीक्रेट सफाई का। अच्छा ये वाला परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, और मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स से इसके रिव्यू भी सुने थे, बट दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, अप्लाई होने के 5-10 या मैक्सिमम भी 1 आवर के बाद ही डिसअपियर हो जाती है इसकी फ्रेग्रेंस, तो ये वाला जो परचेज है दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और लेकिन J.Dot के परफ्यूम स्टे करते हैं, अनलेस अंटिल आप उसको वॉश नहीं करते तब तक उसकी फ्रेग्रेंस रहती है,
So very happy with the J Dot, but Sapphire ke perfumes are big flop. So guys, while I was setting my dressing table, हमें emergency में जाना पड़ा because इसी time पे हमारा गीज़र का काम हो सकता था और फिर ज़्यादा लेट हो जाता. सो भी हमने अपने घर में इंस्टेंट गीज़र लगवाया है. पहले हमारे पास नॉर्मल वाला गीज़र था, तो हम लोग चले गए थे, सारा काम बीच में स्टॉप हो गया था. नाउ वी आर बैक. सो दिस इज़ द वाटर इंस्टेंट वाटर हीटर गीज़र और स्मॉल सा साइज़ है इसका और हमने वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही इसको लगवाया. एंड ये वाला कैनन का हमारा गीज़र है जो कि LPG के ऊपर चलेगा. So, साथ ही हमारा ये वॉशरूम है. यहाँ हमारा वॉशिंग मशीन है. अभी उन्होंने सारा काम किया, फिटिंग किया, तो थोड़ा सा मैस हो गया. अभी हम इसको भी क्लीन करते हैं. सो गाइस, फाइनली मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो गया और अभी हम लोग गीज़र से फ्री हो गए. मैं अपने स्टूडियो रूम में आ गई हूँ एंड लेट मी शो यू ऑल. सो यहाँ पर मेरी सारी लिपस्टिक, सनब्लॉक, नायरोनिक एसिड सीरम और ये लॉरियल के हमारे हाइलरोनिक एसिड सीरम है. एक मॉइस्चराइज़र है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, डर्माइट का है. और ये फ्लेक्सियन, ये मेरी डर्मैट ने मुझे रिकमेंड किया था, तो ये दोनों वही मॉइस्चराइज़र्स हैं. देन वी हैव परफ्यूम्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. बाकी मैंने ड्रॉर्स भी ऑर्गेनाइज कर दी हैं, सो अभी वो दिखाती हूँ मैं आपको. दिस इज़ फर्स्ट ड्रॉर और यहाँ पे मेरी सारी फाउंडेशंस हैं एंड यहाँ पे मेरा ब्लश, हाईलाइटर. मेनली मेरे पास जे डॉट का ज़्यादातर मेकअप है. ये प्राइमर है, हाईलाइटर है और ये सब फाउंडेशंस हैं. देन वी हैव मॉइस्चराइजर्स. ये मेनली तो मैं अपना एक मॉइस्चराइजर ऊपर रखती हूँ, बट स्टॉक में जो मैंने दो तीन रखे हुए हैं. ये सेरावी के मॉइस्चराइजर हैं, ये डर्माइव का हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं. यहाँ पे भी मेरे क्लिनजर्स हैं. ये जेंसन का है, निविया का क्लिनजर है, मेकअप रिमूवर बाय जे डॉट और ये आईलैश कर्लर है. आई पेंसिल शार्पनर है, साथ में ये मेरी आई के आईलाइनर, मस्कारा एंड सम ब्रशेस. ये मेरे पास आईलाइनर्स हैं. सो दिस इज हाउ द ड्रॉअर नंबर वन लुक्स और ये काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया. सेकंड मेरे पास यहाँ पे मेरे पास हेयर प्रोडक्ट्स हैं. ये सारे मेरे पोनी क्लिप्स, स्केचर, सब कुछ. और यहाँ पे मैंने एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, निविया और वेजलिन फॉर लिप बाम है. यहाँ पे मेरे पास हेयर सीरम्स हैं, ये भी हेयर सीरम है. ये एक आर्गन ऑयल है, ये आफ्टर वॉश में अप्लाई करती हूँ. और ये वाला स्टाइलिंग से पहले मैं यूज़ करती हूँ, हीट प्रोटेक्टिंग सीरम है. दिस इज़ मेकअप फिक्सर, इसकी कोई जगह नहीं बन रही थी तो मैंने इन प्रोडक्ट के साथ रख दिया है. ये मेरे पास रबर बैंड्स हैं एक्स्ट्रा जो समटाइम्स अप्लाई करने पड़ते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं. इस ड्रॉअर में मेरे पास हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं, स्ट्रेटनर, ड्रायर और ये ब्रशेज हैं. इस वाली ड्रॉअर में, सेकेंड ड्रॉअर में, आई हैव ऑल माई सनग्लासेस एंड रिस्ट वॉचेस. और यहाँ से मेरा ज्वेलरी सेक्शन स्टार्ट होता है. अभी मैंने जस्ट इनको इसी तरह रख दिया, थोड़ा और ऑर्गेनाइज करना है. ये दोनों मेरे ज्वेलरी बॉक्स हैं और ये वाली वो ज्वेलरी है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ. और ये मैंने टूल बॉक्स मिल रहा था, इसमें सेक्शंस हैं, बहुत अच्छा ये टूल बॉक्स है. बेसिकली मैंने ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र की तरह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, इसको मैं वंस अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर लूँ फिर मैं आपको दिखाऊँगी. और इसमें भी सेक्शंस बने हुए हैं, ये भी मैंने अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है. अभी मैंने इसको अपनी प्लेस पे सारी चीज़ों को रख दिया है और मज़ीद हम इसको और ऑर्गेनाइज करेंगे. यहाँ पे मेरे पास वो ज्वेलरी है जो मैं डे टू डे बेसिस पे यूज़ नहीं करती. इन सारी क्रीम की उसमें भी ज्वेलरी है, किसी में रिंग्स हैं, इयर रिंग्स हैं, तो और ये सारी मेरी बैंगल्स हैं, इसमें भी बैंगल्स हैं, ये भी बैंगल्स हैं. तो ये मेरी एक्स्ट्रा वाली ज्वेलरी है जो किसी भी मैं स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करती हूँ. सो गाइस, दिस वाज माय ड्रेसिंग टेबल टूर और बाकी का रूम तो आप मेरी रील्स में ऑन इंस्टाग्राम देख चुके हैं. बाकी डे टू डे बेसिस पे आई एम वेरी रेगुलर ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज नाउ डेज, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लाजवी तौर पे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ मैं अपनी जो भी हम परचेज कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ. और कंप्लीट वीडियो मैं आपको व्लॉग्स में इसी तरह शेयर करूँगी. सो लेट्स गो, अभी हम लंच करते हैं और उसके बाद मिलते हैं. सो हमारा लंच रेडी हो गया. आज मामा ने पुलाव बनाया है फातिहा के लिए और हलवा साथ में सूजी का बनाया है. तो पहले हम लोग फातिहा देंगे और उसके बाद अपना लंच करेंगे.
गाइस अभी हम लोग अपना लंच करते हैं और मिलते हैं लंच के बाद। अभी रात हो गई है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी क्योंकि आजकल मैं हेल्दी रूटीन की तरफ वापस आ रही हूँ और क्लीन ईटिंग एंड पोर्शन कंट्रोल मैंने स्टार्ट किया। मैं सारी चीजें जो होम मेड है वो खा रही हूँ, बट मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं अभी लेनी या राइस वगैरह। शुगर इज वन थिंग जो मैंने बिल्कुल अपनी लाइफ से कट कर दी है। जब भी मैं डाइट करती हूँ या क्लीन ईटिंग करती हूँ तो मैं शुगर को सबसे पहले कट करती हूँ। हलवा मैंने न्यास का ऑब्वियसली खाया था, वो न्यास का था, बट मैंने उसके 1-2 स्पून लिए थे और अब रेगुलर मैं अवॉइड करूंगी कि कोई शुगर प्रोडक्ट में यूज ना करूं। तो अभी 7 o'clock हो रही है और हमारा लास्ट मील 6 o'clock या 7 o'clock मैक्सिमम हम अपना लास्ट मील लेते हैं। और अभी मैं किचन में मौजूद हूं और हम लोग कहवा बना रहे हैं जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट कहवा है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में भी और अगर आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल सिंपल सा कहवा है। सो नाइट टाइम में हम ये लेते हैं आफ्टर आवर लास्ट मील और उसके बाद हम बस माइंड अप कर देते हैं। सो ये वाला कहवा है, हमने इसमें पानी ले लिया और मैं अपने लेमन ग्रास जो है ये वाला लेमन ग्रास हम यूज करते हैं, लेकिन इस दफा मैं स्टोर पे गई तो उन्होंने कहा कि ये भी आप ट्राई करें ग्रीन टी लेमन ग्रास टपाल का। इसका टेस्ट अच्छा है, ग्रीन टी टाइप ज्यादा है और लेमन ग्रास का फ्लेवर जरा कम आता है, तो मैं यही वाला प्रेफर करती हूँ। हम ये वाला थोड़ा सा लेमन ग्रास ऐड करेंगे। साथ में मैंने इस जगह पे थोड़े से लेमन, ये 2 लेमन कट किए हैं और ये इसको मैंने वॉश कर लिया। मामा जो भी गर्म मसाला यूज करती हैं तो उसको वॉश करके करती हैं, तो हमने भी इसको वॉश कर लिया। मैं अपने पानी में थोड़ा सा ये ऐड कर दूंगी। सो ये मैंने स्ट्रेनर में थोड़ा सा लेमन ग्रास ले लिया है और इसको मैं अभी वॉश करूंगी और फिर अपने पानी में ऐड करूंगी। हमने लेमन ग्रास को वॉश कर लिया और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इलायची के दाने यहाँ निकाल लिए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ से अपने एलमंड्स ले लेंगे, बाकी नट्स और ये इंजीर भी, इनको हम सोक करेंगे पानी में और बाकी नट्स को मैं जस्ट वॉश कर लेती हूँ। ये वॉलनट्स काजू वगैरह इनको हम वॉश करके यूज़ करते हैं। एलमंड्स को हम ओवरनाइट और इंजीर को सोक करेंगे। तो अभी हम ओवरनाइट छोड़ देंगे और कल सुबह इसको हम पील करेंगे। एलिमेंट्स को ये ओवरनाइट सोक होंगे और इंजीर को हम ऐसे ही खा लेंगे और साथ में हम मॉर्निंग में भी सेम यही वाला कहवा जो मैं बना रही हूँ यही कहवा हम मॉर्निंग में लेंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, साथ में नट्स। मैं इसको इसमें स्ट्रेन करती हूँ। तो ये हमने अपने कहवे को इसमें डाल लिया और ऊपर से हम ये लेमन डालेंगे। दिस इज टोटली ऑप्शन, कुछ लोगों को लेमन जूस से एसिडिटी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। ये वैसे भी क्योंकि इसमें लेमन ग्रास है तो बहुत टेस्टी होता है ये, बट अगर आप इसको ऐड कर लें तो इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, स्पेशली वेट लॉस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं स्मॉल सा लेमन है जो कि एक हाफ लेमन के इक्वल है, मैं हाफ लेमन ऑलमोस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ और ये हमारा कहवा रेडी हो गया। सो हम लोग अपना कहवा इंजॉय करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।